देखिए दोस्तों, पीछे नज़ारा लीजिए बेहतरीन लेक का। मेरे साथ आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया व्यू है लेक का भी। लोग जॉगिंग भी करते हैं यहाँ पे, और पूरा ठंडक सुबह शाम लेक की वजह से बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। बहुत ठंडी हवा चलती है और एक ठंडक फील होती है। देखिए मेरे साथ, देखिए दोस्तों लहर, देखिए आप लेक की लहर देखिए। एकदम मैं आपको एकदम तट से दिखा रहा हूँ, एकदम नीचे से आप लहर देखिए। आप देखिए कैसे कर्व आ रहे हैं, हवा चल रही है और पानी में कर्व बने आ रहे हैं। सुखना लेक देखिए, बहुत सुंदर, आकर्षित, बेहतरीन। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा क्लोज से नज़ारा दिखा रहा हूँ। मेन गेट से देखिए रोड ये रहा आपका, और यहाँ से मेन गेट से आप जब अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं फैमिली के साथ, यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। आप दिख रहा होगा आपको क्राउड, देखिए आप कितना, शाम के 4:30 बजे हैं और देखिए क्राउड का नज़ारा देखिए, बेमिसाल क्राउड, वाह क्या बात है। ये देखिए बोटिंग करते हुए लोग, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार। ये देखिए मेन रोड यहाँ पे, ये देखिए आप। तो अपने भाई साहब को डिटेल देते हुए, भाई साहब क्या है यहाँ पे, मतलब क्या आसपास कौन सा हाउस है यहाँ पे? यहाँ पर बगल में ही हरियाणा गवर्नर हाउस, ओके, थोड़ा सा आगे जाके पंजाब गवर्नर हाउस, ओके, लेकिन उसके सामने ही बर्ड पार्क है, ठीक और है। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको रॉक गार्डन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो साथ में ही, उसके साथ ही 1 किलोमीटर के बाद आपका रॉक गार्डन आ जाएगा। सारा कुछ नेड़े, सारा नेड़े, नियर अबाउट सब नेड़े नेड़े आप देखिए, ग्राउंड देखिए हमारे साथ, ये देखिए पूरा व्यू शाम के 4:30 बजे, और पब्लिक देख सकते हैं बहुत ही शानदार, क्राउड ही क्राउड। मनसा देवी का वो दिखाओ, मनसा देवी में पीछे दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगा। देखिए भाई साहब उंगली दिखा रहे हैं, सामने है मनसा देवी। चलिए मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से, तो ये देखिए मनसा देवी, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा गुम्बद। ये देखिए सामने जो आप वाइट देख रहे हैं मनसा देवी, देखिए आप। चलिए तो दोस्तों आप क्राउड देख सकते हैं, सुखना लेक क्राउड देखिए, क्राउड का नज़ारा लीजिए कितना। देखिए यहाँ फोटोज़ बन रही हैं, आप पिक्चर बनवा सकते हैं, एज इट इज स्केच बना सकते हैं। देखिए आप स्केच वाले बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं सुखना लेक में फूड कोर्ट, आप देख सकते हैं फूड कोर्ट, देखिए आप बहुत बढ़िया फूड कोर्ट बना हुआ है। आपको खाने पीने का कोई भी आइटम चाहिए हो आपको सब यहाँ पे मिलेगा। आप देखिए आप पूरा फूड कोर्ट बना हुआ एरिया, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, आप देखिए फूड कोर्ट दोस्तों। तो मुझे जो एक ही ड्रॉबैक यहाँ पे लगा, जो एक माइनस पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा, बस वो एक था कि यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर स्पेस बने हुए हैं, नलके बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी के नाम पे एक बूंद भी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है। 3-3, 4-4 नलके हैं लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे सुखना लेक में लगा। इतना क्राउड आया है, देश विदेश से आया हैंड वॉश के लिए, देखिए वहाँ दे रखा है, लेकिन अगर आप पानी पीना चाहेंगे तो यहाँ आपको पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलेगी। और देखिए चारों नलके खाली हैं, बच्चे पानी पीने का है, जरा पूछो जरा बच्चों से, पानी है नहीं, नहीं है पानी, बच्चों से पूछो बच्चे पानी पीने का है नहीं है, पानी है नहीं बिल्कुल भी नहीं है, पानी से बोलो पानी पीने का नहीं, पानी पानी बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे भी निराश होकर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए बस ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है यहाँ पे। तो आश्वासन हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से ये अपील करेंगे कि कम से कम एक पीने का पानी का दुरुस्त बंदोबस्त यहाँ किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग बाहर से भी घूमने आ रहे हैं उनको यह महसूस ना हो कि चंडीगढ़ के अंदर जो टूरिज़्म है वो इतना निकम्मा है। थैंक यू, धन्यवाद।
चलिए दोस्तों, अब मेरा निकलने का टाइम हो गया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।